मेरा नाम है अब्दुलरशीद नायक, मैं गुंडठाट से रह रहा हूँ। आज हमने रेड क्रॉस के कुछ वॉलंटियर को बुलाया था क्योंकि कोविड आ रहे है, तीसरी लहर आ रही है, उसके लिए हमने इनको एक्टिवेट करने के लिए बुलाया था आज। तो इसीलिए आज हमने एक वर्करों के लिए मीटिंग बुलाई थी। तो मोहम्मद अशरफ तांत्रे, मैं बानीहाल का रहने वाला हूँ। एक मीटिंग बुलाई थी रेड क्रॉस एनजीओ की तरफ से, एक मीटिंग बुलवाई थी यहाँ पे। उसमें हमने ये फैसला लिया कि जो दोबारा से कोविड-19 यहाँ पे दोबारा से आ गई बीमारी, इसके बारे में किस तरीके से लोगों के साथ निपटना है और लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। हमारे पास मास्क पड़े हुए हैं, मास्क देंगे और लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं और लोगों के साथ कोऑपरेट इस वजह से कर रहे हैं कि जो नई बीमारी आई है इसको ख़त्म करें। एक दूसरे के साथ मिले ना, हाथ अपने अच्छे तरीके से धोएं और इसके जो भी कारण हैं, वो बीमारी जो लग रही है वो हाथ ना धोने की वजह से लग रही है और हम इसी बीमारी की वजह से हमने मीटिंग की थी। हमारे जो भी साथी हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इस चीज़ के लिए आगे खड़े हैं और हमारा ये मतलब है, हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की लोगों को प्रॉब्लम आए हम हर जगह पे खड़े हैं। इसी बात से मैं शुक्रिया अदा करना